ये देखो अभी नहीं बना पाऊंगी, बट गाइस जैसे ही थोड़ा सा भी मेरे को आराम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। गाइस मैं अभी अभी नीचे वाले रूम में गई थी अपनी वीडियो बनाने के लिए, ताकि वीडियो बनाकर फिर मैंने इसकी बाकी की सारी वीडियो जब चेक करी ना, तो वहां पे लिखा हुआ है माय मॉम विल डिलीट माय चैनल बिकॉज ऑफ सौरभ जोशी या सौरभ जोशी ब्रोक माय हाउस, मतलब इस तरीके के आई लॉस्ट माय फिंगर बिकॉज ऑफ फ्लाइंग बीस। विल आई क्राई, विल आई लीव बिहाइंड ब्रोकन क्रम्बल साइंस हाइडिंग ऑल माय रोड्स टू। जैसे हर चीज का एक मौसम होता है ना, गर्मियों में आम खाने को मिलते हैं और सर्दियों में गाजर का हलवा खाने को मिलता है, सो उसी तरीके से सर्दियों में भाई साहब ये इंडियन बियर भी पीने को मिलती है। हाँ जी, इंडियन बियर जो हम लोग अपने घरों में बनाते हैं, तो मैं बता देता हूँ, वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, सो भाई साहब इसे कहते हैं कांजी, जिसको लाइक हमारे पेरेंट्स ना 3-4 दिन के लिए गाजर में पानी को डाल के और थोड़े बहुत नमक मसाला डाल के छोड़ देते हैं, और ये उसके बाद ये भाई साहब क्या ऑसम वाला इसका फ्लेवर तैयार होता है। मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपना आज वाला व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं कांजी के मजे लूटते हुए। मैंने तो नाश्ता वगैरह कर लिया है, बट रवनीत कह रही है कि भैया मेरे को ना सैंडविच खाने का मन है, और वो भी आपके हाथों के, क्योंकि मैंने ना थोड़ी सी ना तारीफ कर दी कि यार मेरे को ना सैंडविच बहुत अच्छे बनाने आते हैं। सो वो मेरे को कहती है कि भैया जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से आपने मेरे को एक बारी भी सैंडविचेस नहीं खिलाए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो यार तेरे को आज मैं सैंडविच खिलाता हूँ अपने हाथ के, क्योंकि आज मेरे पास टाइम भी है। सो उसके लिए ना हमने यहाँ पे किचन के अंदर रेड बेल पेपर, थोड़ी सी ये वाली सब्जी, टमाटोज, फ्रोजन कॉर्न वगैरह रेडी कर ली है, और साथ में ये मेरे पास ये चीज़ स्प्रेड वगैरह भी है, और ये वाली भी चीज़ स्प्रेड है ना, उनको क्या क्या कहते हैं ये जो भी है मेरे को नहीं पता। तो इन सारी चीज़ों को ना पहले मैं सब्जियों को ना साफ कर लेता हूँ, काट लूँगा। जो भी सामान हमारे पास घर पे था ना, मैंने वो सारी चीजें ना काट पीट के बना दी है, और हम ऐसे ही बचपन में हमारी मम्मा हमें ऐसे ही खिलाया करती थी। द बेस्ट सैंडविच मेरे हबी ने पहली बार बनाया, सो आई लव्ड इट। एंड देखो तेरे हबी ने बनाया इस करके, मतलब ये नहीं बाकी देखो यहाँ पर ये लड़की अपना सैंडविच खा रही है, और मैंने ना अपने लिए बेसिकली स्पेशली अपने लिए यहाँ पे रखे हैं पाइनएप्पल। ओए होए, मैं खाऊंगा पाइनएप्पल वाला सैंडविच। हम लोगों ने ना लास्ट टाइम बर्गर क्लब में ना एक बर्गर ट्राई करा था, जिसके अंदर ना उन्होंने पाइनएप्पल की स्लाइस डाली हुई थी, सो उस वाले आइडिया को लेकर ना मैंने ये वाला सैंडविच बनाया है। बट आप लोगों को बोल देता हूँ कि भैया इसको घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, बिकॉज ना ये बहुत बढ़िया नहीं बना, कहीं आप लोग मेरी वीडियोज देख कर ये सैंडविच बनाना स्टार्ट कर दो और सोचो कि यार हम भी ट्राई करते हैं, इसका टेस्ट ट्राई करते हैं। बट सीरियसली बता रहा हूँ, जिस लेवल पे मैं सोच रहा था ना, ये उस लेवल तक तो नहीं गया, बट स्टिल हाँ ये है कि इतना बुरा भी नहीं है, तो हम इसको खाते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये बन चुका है। तो भाई साहब इस प्लग को मैं पहले से ही लेकर आ गया था, बिकॉज मेरे को पता था कि आज के दिन ना मैं इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि आज अपने पास बहुत टाइम है सारे वो वाले काम करने के जो हमने अभी तक पेंडिंग छोड़े हुए। तो भाई साहब ये है अपनी गेम चेंजर, जिसको हमने ना फटाफट से आज रिपेयर कर दिया, क्योंकि आज अपने पास टाइम था। तो आप लोग रेडी हो इसको देखने के लिए, इसके कलर्स देखने के लिए? इसके अंदर बेसिकली 3 कलर्स निकलते हैं, एक बिल्कुल येलोश निकलता है, एक बिल्कुल व्हाइट निकलता है, और एक मिक्स निकलता है। मेरे को ना भाई साहब ये वाला कलर सबसे बेस्ट लगता है, आपको चेक करा देता हूँ एक बारी। अगर इसको डिम करना हो तो डिम कर सकते हैं, हाई पे रखना हो तो हाई पे रख सकते हैं, और साथ के साथ ये देखो जी ये होगी बिल्कुल येलो कलर। येलो कलर अपने को इतना पसंद नहीं है, और ये मिक्स हो गया और ये व्हाइटिश हो गई, तो व्हाइट कलर अपने को बहुत सही लगती है।
मैं ना जस्ट अभी अभी ना ऐसे ही बैठा हुआ था, आलस आ रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या व्लॉग बनाऊं, क्या आप लोगों से बातें करूं, तो जस्ट बैठ के ना अपने इस मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे और देख रहा था कि कौन सी वीडियोस इस टाइम पे काफी ट्रेंडिंग में चल रही है। एक इस चैनल के ऊपर पायल जोन के नाम का चैनल है और मैंने वीडियो देखी, आई गॉट ब्लाइंड बिकॉज ऑफ फ्लाइंग बीस्ट। मैं क्या भाई ये क्या हो गया, और इसके ऊपर व्यूज भी 1 मिलियन व्यूज है। तो मैंने इसका चैनल खोला, वीडियो देखना स्टार्ट करी और मेरे को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आई इसकी वीडियो। फिर मैंने इसकी बाकी की सारी वीडियोस जब चेक करी ना, तो वहां पे लिखा हुआ है माय मॉम विल डिलीट माय चैनल बिकॉज ऑफ सौरभ जोशी, या सौरभ जोशी ब्रोक माय हाउस, मतलब इस तरीके के, आई लॉस्ट माय फिंगर बिकॉज ऑफ फ्लाइंग बीस्ट। मतलब चेक कर रहे हो यार कि जो बड़े बड़े फेमस यूट्यूबर्स है ना, लोग अपनी वीडियोस पे व्यूज लेकर आने के लिए, अपने चैनल को हिट करने के लिए कैसी कैसी वीडियोस बनाते हैं। और भाई साहब इस लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस देखो जरा, एक बढ़िया ये देखो। अभी नहीं बना पाऊंगी बट गाइस जैसे ही थोड़ा सा भी मेरे को आराम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। गाइस मैं अभी अभी नीचे वाले रूम में गई थी अपनी वीडियो बनाने के लिए, ताकि वीडियो बनाकर, मतलब आप चेक कर रहे हो कि लोग भाई साहब बिना मेहनत किए आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना मेहनत किए। रवनीत ना अंदर किचन में काम कर रही है और हम जाके देखते हैं कि वो क्या कर रही है। देखो उसको डराते हैं। तो भाई साहब बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ये अभी आई थी मेरे को देखने के लिए कि मैं सो रहा हूँ कि मैं उठा हूँ, इसको मैंने प्रिटेंड किया कि मैं सो रहा हूँ, तो ये वापस आ गई और अब हमने आके इसको डरा दिया। यो वेरी फनी। घर पे सारी सब्जियां थी बट वो नहीं थी जो हमारे हेटर्स को बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब कि हरी मिर्ची। पापा ने घर से बाहर भेजा है, बोला है कि बेटा हरी मिर्ची ले आ। वैसे ना मेरे नाना जी का भी यही हाल था और मेरे पापा का भी यही हाल है कि जिस दिन छुट्टी होती है ना, बिल्कुल भी टिक के बैठने नहीं देते, सोने नहीं देते। हाँ जी हरी मिर्ची है तेरे पास, दियो 10 रुपये की हरी मिर्ची दे दे यार। बाकी सारा सामान घर से निकल गया था। मेरे जो नाना जी थे ना, उनकी भी सेम यही स्टोरी थी कि वो पता क्या करते थे, अगर हम उनके घर पर जब रहने के लिए जाते थे, गेहूं के ड्रम होते थे और वो गेहूं के ड्रम्स को ना खाली कर देते थे पहले और कहते थे कि भरो, हम भरते थे, उसके बाद आके दोबारा से ना वही वाले गेहूं के ड्रम्स को पलट देते थे और कहते थे कि बेटा दोबारा से भरो। मतलब ना दिन में ना 8-10 बार ये मारते ना गेहूं के ड्रम भरवा देते थे, और अगर हम नहीं भरते थे ना तो भैया बहुत गंदी वाली डांट पड़ती थी। मतलब कहने का ये है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने ना शुरू से ही ना हम लोगों को खाली और वेला घर बैठने नहीं दिया, शुरू से हमारे से मेहनत वगैरह करवाते गए हैं। हाँ जी हरी मिर्ची हो गई, पैसे दे रहा हूँ, रुक जा। ओहो तो किस किस को हुआ है? टेस्ट तो गुंजन का ही कराया था बस। फिर नहीं हुआ किस किस को, मैं कह रहा हूँ बेसिकली हुआ किस किस को? रिकॉर्डिंग कर देगा। हाँ जी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। सर भैया हमारे को मिले और भैया मेरे को कह रहे हैं कि अपना ख्याल व्याल रखो। मैंने कहा बिल्कुल हम ख्याल व्याल रख रहे हैं। तो भैया को ना एक्चुअली में पहले भी कोविड हो चुका था और इनको सेकेंड टाइम दोबारा से हो गया। भैया मैं मतलब ध्यान रखो। हाँ। जो वेव 3 है। हाँ जी थोड़ी सी ज्यादा रिस्की हो रखी है आजकल। ओके। लोग कह रहे हैं माइल्ड वाइल्ड है, लेकिन माइल्ड तो देखो है ही है, बट सिम्टम्स जो है बेसिकली वो आपको, आपके सिम्टम्स क्या थे भैया? कोल्ड और हल्का सा कफ कफ था। अच्छा। और ऐसा कुछ नहीं था, आप बिल्कुल ठीक हो, परफेक्टली फाइन। चलो गुड यार। मतलब मेरे को ना पहले मेरे को तो इस चीज को मैं शॉक हो गया सुनकर कि आपको सेकंड टाइम कोविड हो गया। हाँ, तो मेरे दिमाग में डबल नहीं तो ना। अच्छा डबल वैक्सीनेटेड भी हो? स्पुतनिक की। ओहो स्पुतनिक की, मतलब वैक्सीन भी बढ़िया वाली लगी हुई है। हम लोगों को कोविशील्ड लगी हुई है, मैंने कोविशील्ड लगवाई हुई है, कोवैक्सीन नहीं लगवाई, कोविशील्ड लगवाई है। बट मेरे दिमाग में ना ये चीज थी कि जिसको एक बार ही कोविड हो गया ना, उसको सेकंड टाइम कोविड शायद ना हो। नहीं हो जाता है, हो जाता है। हाँ, 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 हो जाता है। मेरे को पता नहीं था। प्रिकॉशन रखो यार, लोग सोच रहे हैं माइल्ड वाइल्ड ये वो, लेकिन प्रिकॉशन जरूरी है। वैसे ठीक हो बिल्कुल? परफेक्टली फाइन। चलो गुड है। और क्या हाल है? क्रेजी क्यू है, क्रेजी क्यू क्या हाल है तेरा भाई? तेरे व्लॉग कहाँ गए? तेरे व्लॉग अभी बस रेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शरीर है, मतलब इसको खाना दो ना पहले, तो खाना बाद में खाएगी, पहले कहेगी कि मेरे सिर को ना हाफ फेरो। मतलब वो प्यार मांगती है, प्यार कर दो उसके बाद जाके खाना खाएगी, नहीं तो खाना नहीं खाएगी जब तक आप इसको प्यार नहीं करोगे। इसका ही हाल है। और वो तो शरारती होगा, वो थोड़ा सा एटीट्यूड वाला है, वो हर किसी से खाना नहीं खाता। वो सिर्फ खाना मेरे से खाता, खाली मैं दूंगा तो खाएगा, नहीं तो हर किसी से नहीं खाएगा, मैं या एक आधा और।
इसका भी यही हाल है, ये भी हर किसी को खाना नहीं खाती है, बट इसका हाल है कि ये प्यार मांगती है, ये बहुत प्यार वाली है। मैं सोच रहा था जिसको एक बार ही कोविड हो गया उसको दोबारा कोविड नहीं होगा, मतलब जो जिसको एक बार ही हो गया ना वो बंदा मतलब बच गया, वो निपट गया, बट इनकी बात सुन के ना मेरे को दोबारा से डर लग गया है कि भाई साहब जिसको एक बार ही हो जाएगा ना उसको दोबारा भी हो सकता है अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लेगा। तो भाई साहब ध्यान रखो, ठीक है, हम भी अपना ध्यान रख रहे हैं पर आप लोग भी ध्यान रखो। बाकी पापा ने मेरे को भेजा था मिर्च लेने के लिए, डांट पड़ेगी, बोलेंगे भैया कहाँ रह गया तू, मिर्चे लेने गया था कहाँ रह गया था। आज का दिन मेरा पूरा का पूरा ना रसोई के अंदर ही निकल गया, सुबह से लेकर रात तक। बाकी अपने चावल यहाँ पर भाई साहब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसका जो अरोमा आ रहा ना मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब क्या ही बताऊँ, वीडियो के अंदर मैं बता नहीं सकता, बट भाई साहब बहुत सही वाली फ्रेगरेंस आ रही है। पापा ने ना ये चावल बनाए हैं और साथ में ना ये चटनी बनाई है। तो हमारे घर पे ना बेसिकली ये चावल और चटनी को मिक्स करके खाते हैं, हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है बट अपने को ये टेस्ट बहुत ही औसम लगता है। वो लोग ये बोलते हैं कि इसके अंदर से टेस्ट आता है जैसे कि हम कुछ चटपटा नॉन वेज वाली चीज़ें खा रहे हैं, बट जो भी बोलो ये है बहुत ही औसम। और यहाँ पे कौन आया, हेलो, ये कौन आ गया? अरलिव कहाँ गई? अच्छा, सो भाई साहब जल्दी से बताओ आपको कैसे लगे? ऑसम, बढ़िया बने ना, मस्त बने हैं, बिल्कुल। चल खा ले, एंजॉय कर, बहुत टेस्टी बने। हेलो हेलो, ओए कौन आया है? जब जी आई है। जब जी क्या कह रही थी कल रात को कि मैंने नानिया उजाना है? हैं नानिया उजाना है, नानिया उजाई है, न्यू साइकिल ले आई, बड़ी साइकिल ले आई, एक आगे है ना तेरे पास साइकिल, हाँ इतनी सारी साइकिलें हैं तेरे पास अभी, कहाँ टूटी है, नहीं है कल तो ली थी। हेलो, सो आज मेरा जो सीन था ना, मेरा सीन था कि आज मैं ड्रोन उड़ाऊंगा और भी बाकी के काम करूंगा, बट भाई साहब मेरा ना बाइक वाला काम तो हुआ नहीं, साथ के साथ ड्रोन वाला काम भी नहीं हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा वाली। सो उसके चक्कर से ना आज हम ड्रोन को तो नहीं उड़ा पाए, अब कल देखेंगे, अगर कल बारिश ना हुई तो कल हम ड्रोन को उड़ाएंगे और अगर बारिश हुई तो फिर रह जाएगा, फिर जब हमें मौका मिलेगा तब हम उड़ाएंगे। बाकी देखो जो भी अपने साथ आज के दिन में हुआ ना, अब उनने सब कुछ एज इट इज़ रिकॉर्ड किया और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा हमारा आज वाला तो इसको लाइक करके जाना, ओके लाइक करके जाना भाई साहब, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और साथ के साथ हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा लेना और चोरी चोरी व्लॉग्स बिल्कुल नहीं देखने, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलते हैं कल वाले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, बाय बाय। चॉकलेट देखा, चलो ठीक है, ओके बाय बाय।